नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ जाती है उसे बहुत दुख झेलना पड़ता है, लेकिन एक सच ये भी है कि हनुमान जी के आगे शनिदेव की नहीं चलती। कहा जाता है कि जो हनुमान जी का भक्त होता है शनिदेव उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं आखिर क्यों हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते शनिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को खोज में लंका पहुंचे तब वहां एक कारागार में शनिदेव भी नजर आए। बजरंग बली ने जब शनि से बंदी ग्रह में उनके उल्टा लटका होने का कारण जाना तो पता चला कि रावण ने अपने योग बल से उनके साथ कई अन्य ग्रहों को कैद किया है। तब हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण की कैद से आजाद कराया था। इस पर खुश होकर शनिदेव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने उनसे वचन मांगा कि मेरी आराधना करने वाले को कभी कष्ट नहीं दोगे। इसीलिए कहते हैं कि शनि या साढ़े साथी के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एक बार पवनसुत राम जप में मग्न थे, तभी वहां से शनिदेव गुजरे। अहंकार में डूबे शनिदेव ने हनुमान जी के जाप में बाधा डालने की कोशिश की। शनिदेव ने उनका ध्यान भंग करने के लिए कई प्रयास किए, यहाँ तक कि अपनी शक्ति का घमंड दिखाकर उन्हें डराने की भी कोशिश की, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे डाली। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि मैं अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, कृपया मेरी शांति भंग ना करें। शनिदेव ने हनुमान जी की बांह पकड़ ली। बजरंग बली ने क्रोध में शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इतने में भी शनिदेव उन्हें ललकारते रहे और कहा कि तुम क्या, तुम्हारे राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। अंत में शनिदेव ने माफी मांग ली। तब हनुमान जी बोले कि भविष्य में ऐसे उदंडता मत करना, ना ही मेरे भक्तों को सताना। तब से शनि हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।